व्रत में फ्रूट्स और मीठा खाकर मन करता है कुछ नमकीन खाने का। उस समय के लिए पोटैटो चिप्स परफेक्ट होते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें हम स्टोर कर कर भी रख सकते हैं और जब मन करे इन्हें खा सकते हैं। आज हम इस तरीके से चिप्स बनाएंगे ताकि वो लंबे समय तक क्रिस्पी रह सके। वैसे तो आप किसी भी आलू से चिप्स बना सकते हैं। चिप्स बनाने के लिए हमने लिए हैं चिप्सोना आलू। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। इसमें स्टार्च कम होता है जिससे चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। सबसे पहले आलू को छील लेंगे और उन्हें पानी में डालते रहेंगे। पानी में डालने से ये आलू काले नहीं पड़ेंगे और इनका एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाएगा। हमने एक चिप्स स्लाइसर लिया है जिसके नीचे बॉक्स में पानी भर दिया है। इससे चिप्स सीधे पानी में गिरेंगे और काले नहीं पड़ेंगे। आलू को लिटाकर काटेंगे जिससे बड़े बड़े चिप्स बनेंगे। चिप्स हमें बड़े बड़े ही काटने चाहिए क्योंकि फ्राई करते समय ये थोड़े श्रिंक होते हैं और थोड़े टूट भी जाते हैं। हम इस तरीके से आलू के चिप्स की कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल पतले होने चाहिए और एकदम मोटे भी नहीं होने चाहिए। कटर से बिल्कुल एक ही साइज में कटेंगे और इतने ही पतले कटेंगे। अभी थोड़े आलू की कटिंग करी है, अब हम इसको दूसरे पानी में डाल देंगे। सारे आलू की कटिंग कर ली है, अब हम सारे आलू को दूसरे बाउल में डालेंगे। हमने आलू को दो बार पानी में से निकाल लिया है, अब हम एक बार और निकाल लेंगे। हमने तीन बार पानी से इसलिए निकाला है क्योंकि जो सारा स्टार्च होगा आलू का वो तीन बार पानी में निकल जाएगा और हमारे जो चिप्स बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर हमने एक बाउल में एक लीटर पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है और यहाँ पे आलू का स्टार्च भी निकल गया है। अब हम सारे आलू को बॉईल करे हुए पानी में डाल देंगे। हमें पानी में सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आलू को छोड़ना है, बहुत देर तक नहीं छोड़ना है। अब हम सारे आलू को एक एक कर एक सूखे टॉवल पर फैला देंगे। ऐसा करने से जो आलू के अंदर मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। हमने सारे चिप्स को टॉवल पे फैला दिया है और एक हम सूखे कपड़े से इसको ऐसे रब कर देंगे। जो सारा पानी होगा वो कपड़ा सोख लेगा और आलू हमारे अच्छे से सूख जाएंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और आलू भी सूख गए हैं। अब हम अपने चिप्स तेल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। हमारे चिप्स करारे होने लगे हैं, थोड़ा सा हम पलट देंगे जिससे कि दोनों इक्वल हो जाएं। एक तरफ से कहीं वाइट हो जाए और एक तरफ से ज़्यादा ब्राउन हो जाए। गैस को हमें बिल्कुल तेज रखना है, बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है। देखिए हमारे चिप्स बनकर तैयार हैं और चिप्स का कलर भी चेंज हो गया है। चिप्स थोड़े श्रिंक हो गए हैं, थोड़े छोटे हो गए हैं और अब हम चिप्स को निकाल लेंगे। आप लोग आवाज से ही पहचाने कितने क्रिस्पी बने हैं। यहाँ पर हमने एक स्टील की छन्नी ली है और उसके नीचे एक बर्तन रख दिया है। अब हमारे जो सारे चिप्स बने हैं वो हम इसको स्टील की छन्नी में डाल देंगे। स्टील की छन्नी में डालने से जो चिप्स के नीचे जो हीट होती है वो चिप्स को बहुत जल्दी सॉफ्ट बना देती है और ऐसे करने से जो हीट होगी वो नीचे से निकल जाएगी और चिप्स हमारे लंबे समय तक क्रिस्पी रहेंगे। सारे चिप्स बनकर हमारे तैयार है, अब हम सारे चिप्स को बाउल में डाल लेंगे। थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे। अब हम चिप्स को थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे। आपको आवाज से ही पता चल रहा होगा कि हमारे चिप्स कितने क्रिस्पी बने हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई करें।